नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर में जहां जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हुई, वहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि डीएम उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, सदर एसटीएम सहित अन्य पुलिस प्रशासन के अधिकारी फोर्स के साथ शहर में मस्जिदों पर अपनी प्यारी नजर बनाए रखे और जनपद में सभी जगह पर मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं बिजनौर की नजीबाबाद थाना पुलिस और शिवाला कला पुलिस द्वारा धर्म विशेष और सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा नारे लगाने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, बिजनौर जनपद में, संपूर्ण जनपद में, हर कस्बे में, गांव में जुम्मे की नमाज सफल संपन्न हुई, जो शासन का डीजी हेडक्वार्टर का इंट का निर्देश था, 100% अनुपालन हुआ। लेकिन फिर भी दो तीन लोगों ने खुराफात करने की कोशिश किया था। एसडीपीआई के दो सदस्य थे जो नजीबाबाद में, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया, लोगों को प्रेरित किया बिजनौर आने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।